सर के पास नहीं दिखा सकते, पॉसिबल ही नहीं है सर। बकरी वगैरह क्या था? आज हम देखने जा रहे हैं वेन डायग्राफ जनरेटर। सो इसका प्रिंसिपल कुछ ऐसा है, यहाँ से फ्रिक्शन से चार्ज क्रिएट होती है, बेल्ट के थ्रू चार्ज ऊपर जाती है, ऊपर चार्जेस अक्यूमुलेट होती हैं जो अब हम देखेंगे। तो ये बेल्ट का इसमें मेन काम जो है पूरा का पूरा बेल्ट के बारे में। तो हमने काफ़ी मटेरियल्स ट्राई किए, कुछ ऐसा मटेरियल, फिर ये मैकिंटॉश शीट ट्राई की, उसके बाद ये थोड़ा सा अलग मटेरियल ट्राई किया और सब में, और उसके बाद ये रिबिन, बट किसी भी मटेरियल में सक्सेस नहीं मिली। और फाइनली साइकिल का एक ट्यूब ले लिया है, जो साइकिल का रबर ट्यूब होता है, और अब फाइनली हम कर सकते हैं, इसमें चार्जेस अक्यूमुलेट हो रही हैं। सो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ये इसे कहते हैं डोम, चार्जेस यहाँ अक्यूमुलेट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मुझे हटा देना चाहिए, सेकंड, चार्जेस बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, मैंने बटन बंद किया है फिर भी चार्जेस फास्ट हैं, मुझे थोड़ी बेल्ट हटानी पड़ेगी। अब मेरे हिसाब से मुझे स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो चुकी होंगी। तो अब हम ये यहाँ पर डोम से हम चेक करते हैं, तो अब चार्जेस बहुत कम हैं, बट मेरे हाथ तक भी चार्जेस पहुँच रही हैं और धीरे धीरे प्रोड्यूस होती रहेंगी वो। बाल भी आप मेरे देख सकते हैं ऊपर होंगे, बाल ऊपर होते हुए नजर आ रहे हैं, आगे जाऊंगा शॉक लगेगा। बाल हो रहे हैं सीधे नजर आ रहे हैं, बाल सारे के सारे सीधे हो गए हैं। और अब चार्जेस काफी हैं आप देख सकते हो, और अगर इसको मैं कनेक्ट कर दूं ग्राउंड से तो चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आप दिख रहे हैं चार्जेस, तो ये चार्जेस भयंकर प्रोड्यूस हो चुकी हैं, इससे बाल भी पूरे ऊपर हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ तक, वीडियो थोड़ा यहाँ तक दिखाओ, ये यहाँ तक चार्जेस आ रही हैं, यानी कि इतना दूर डिस्टेंस पर भी चार्जेस जोर से आ रही हैं। आप देख सकते हैं स्पार्क कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर मैं अपना हाथ आगे करूँगा तो मुझे भी स्पार्क लगेगी जोरदार। भगवान बचाना, भगवान बचाना, हाथ गीला है मेरा पसीने से तो स्पार्क नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं आएगा। मैं एक चीज रख देता हूँ, मुझे डर लग रहा है। आया, आया, आया। तो आप देख सकते हैं, अब फिर से एक कोशिश करते हैं हम, पर अब मेरे हाथों में पसीना आ गया है तो अब शायद नहीं होगा। ये वाला हाथ ट्राई कर सकता हूँ मैं, आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली आ रहा है, महसूस भी हो रहा है। बाल ऊपर होते हुए नजर आ रहे हैं वीडियो में, ये फ्लैश की जरूरत है, सारे बाल मेरे ऊपर हो चुके हैं। टॉप व्यू दिखा, टॉप व्यू चालू हो गई, टॉर्च पकड़ो। अब देखिए सारे बाल मेरे सीधे हो चुके हैं और टॉप व्यू लग रहा है। इससे ज़्यादा शौक में नहीं सहन कर सकता। और हम यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये है सेफेस्ट मेथड, इतने इंटेंसिटी के शौक प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो भी इतने इंटेंसिटी का शौक आने वाला है। तो अब इसके पसीना पसीना होते जा, तो चलिए और हम और वे से हम चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको रख देता हूँ ऊपर से, तो आप देख सकते हैं कि सारे बॉल्स फ्लोट करना चालू हो गए हैं, देख रहे हैं, ये नीचे चार्ज है, चार्ज ऊपर चलती जा रही है, तो इस वजह से वो ऊपर के डायरेक्शन में सब हवा में है बॉल्स एट प्रेजेंट। तो आप देख सकते हैं सब घूम फिर रहे हैं, अगर अच्छे से नजर आ रहा है तो ये वही है चार्जेस, क्योंकि बहुत सी ज़्यादा प्रोड्यूस हो चुकी हैं यहाँ पर। इसके बाद हम नेक्स्ट एप्लीकेशन जो देख सकते हैं वो हम देख सकते हैं कि ये एक बल्ब है, बल्ब हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी ग्लो होती है चार्जेस से, तो ये बल्ब अभी ग्लो होगा बिना किसी कनेक्शन के। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर ये ग्लो भी हो रहा है और इससे स्पार्क भी आ रहा है, लाइट रेड कलर का आप देख सकते हैं, स्पार्क भी आ रहा है, ठीक है। ये तो एक हो गया छोटा एग्जांपल, अब हम ट्राई करते हैं ट्यूबलाइट के साथ। तो हम ट्यूबलाइट, इसका कलर ब्लू है,
तो हम देखते हैं ग्लो हो रही है, तो आप देख सकते हैं ट्यूबलाइट भी अगर हम डिम लाइट में देखें तो ग्लो हो रही है। अगर मैं इसे चार्जेस से बताऊँ, नज़र आ रही है ट्यूबलाइट ग्लो होती है, कम आ रही होगी क्योंकि मोबाइल की भी फ्लैश चालू है। अब आनी चाहिए, बहुत हल्की हल्की बस ग्लो हो रही है, अब तो हो रही है ब्लिंक। अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ तो थोड़े चांसेस ज़्यादा हैं, तो यहाँ तक ग्लो हो रही है क्योंकि मैंने ग्राउंड वहाँ पे दिया है। तो इस तरीके से ट्यूबलाइट भी ग्लो हो रही है, वो नज़र वीडियो में कम आएगा बट असल में हो रही है। तो यही है चार्जेस के बारे में, और ये एक आध खिड़की लगा सकते हैं हम इसके ऊपर, और इससे भी चेक कर सकता हूँ मैं। चार्जेस यहाँ भी लगने वाली है मुझे, तो मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, और डोम के ऊपर रखना है। हाँ एक ट्राई ऐसे करते हैं, चलिए डोम के बाद रखते हैं हम। थोड़ी सी चार्जेस हैं यहाँ पर, तो मैं निकाल देता हूँ चार्जेस। तो ये तो मेरे पसीने की वजह से अब नहीं क्रिएट हो रही है, बट फुल चार्जेस हैं यहाँ पर। तो अब मैं क्या करता हूँ, स्टॉप करके सारी चार्जेस डिस्क्यूमुलेट यानी कि निकाल कर इलेक्ट्रो यानी न्यूट्रलाइज करके अब डोम को हाथ लगाता हूँ, और अब मिशन सेट होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि फिर की घूमती देखे नहीं, तो अगेन बस सिर्फ और सिर्फ फिर की हम लगा देते हैं, और तब फिर की घूमनी चाहिए बाय डिफॉल्ट। तो आप देख सकते हैं फिर की भी घूम रही है, तो बस वही है कि चार्जेस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और इसके टिप पे ज़्यादा स्पार्क भी हमें नज़र आएगा। तो इसका एक और एप्लीकेशन, अगर मैं लाइट बंद कर दूँ अभी और पसीना पोच लूँ, तो पॉसिबल है ट्यूबलाइट कम्प्लीटली ग्लो हो। तो आइए हम एक वो भी कोशिश करते हैं। सर मुझे स्पार्क पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा जो भी हो। अब मैं इसे सेफली टच कर सकता हूँ, यहाँ से ये भी निकालने की कोशिश, डोम लगाने की कोशिश, और बेल्ट घुमा दी। अब हम देखते हैं, अब शायद देखो ज़्यादा इंटेंसिटी से ग्लो हो रही है, अब कवर आ रहा होगा है ना। फ्लैश पे अगर उंगली रख दे, फ्लैश पे अब आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ट्यूबलाइट भी ग्लो हो रही है। ये भी एक एप्लीकेशन है, तो हम ट्यूबलाइट भी ग्लो कर सकते हैं। और अल्टीमेटली इसका मेन जो फन है वो यही आता है बाल ऊपर और शॉक्स लगने में। और पसीना अगर है तो शॉक नहीं लगेगा, जो अभी मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि पहले डर के मारे बहुत झटके खाए हैं आज पूरे दिन में, बट बाल तो सबके ऊपर हो रही है। तो बस यही है वेंडीग्राफ जनरेटर स्पार्क का, आप देख सकते हैं अच्छे से कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो बस यही था, देखने के लिए धन्यवाद।